अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, अहम ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चलें कि इंडिया और श्रीलंका का जो मुकाबला है वो 6 तारीख को और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला है 7 तारीख को। देखेंगे कौन सी टीम एशिया कप के लिए मुंतखब होती है, ये तो पता चलेगा जब टीमें खेलेंगी। और ये भी अब तो पता नहीं लगाया जा सकता कि एशिया कप में कौन सी टीम आएगी और कौन सी नहीं आएगी। वैसे देखा जाए कारकर्दगी तो ऐसे मालूम होता है पाकिस्तान और इंडिया का ही एशिया कप होगा, और जिसमें जीतने के चांस इंडिया के भी लगते हैं और पाकिस्तान के भी लगते हैं। लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता, ये तो मुकाबला होता है, आखिर कोई टीम भी हार सकती है और कोई टीम भी जीत सकती है। लेकिन मोहम्मद बाबर आजम का कहना है कि हमने एक ऐसे तजर्बेकार बैट्समैन और बॉलर से ऐसा ही तजर्बा सीखा है कि हम जीत जाएंगे, जैसे पहले इंडिया से मुकाबला जीते हैं। वो शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर को भी शामिल करना चाहते हैं, और ये दो बॉलर अगर शामिल हो जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान के चांस एशिया कप 2022 में जीतने के बहुत ज़्यादा इंडिया से बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही मालूम होता है अगर शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर आ जाते हैं खेलने तो फिर तो ऐसे लगता है कि एशिया कप 2022 पाकिस्तान ही जीतेगा।